हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल गराज रिसर्च सेंटर पे। ये जो आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर प्लेट टाटा सिग्ना BS6 की रेक्टिफायर प्लेट है। ये देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर है लास्ट में 3442। ये रेक्टिफायर विदाउट डाइट की रेक्टिफायर है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रेक्टिफायर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और ऊपर का जो रेक्टिफायर आता है वो पॉजिटिव रेक्टिफायर। इसका आप पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका पार्ट नंबर दिखा दे रहा हूँ और इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं। ये रेक्टिफायर प्लेट टाटा BS6 सिग्ना की जो 4825 टिप्पर आती है, टिप्पर ट्रक, उसमें लगाई जाने वाली अल्टरनेटर की ये रेक्टिफायर प्लेट है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं आप बात करूंगा कि इस रेक्टिफायर को बल्ब के माध्यम से कैसे चेक करते हैं कि ये रेक्टिफायर ख़राब है या अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे चेक करने के लिए बताऊंगा कि इसे कैसे चेक किया जाता है, ये रेक्टिफायर को। तो ये रेक्टिफायर कैसे चेक करें ये अच्छा है या ख़राब है। ये हमारे पास न्यू रेक्टिफायर है, न्यू रेक्टिफायर को मैं चेक करके बता रहा हूँ, तो आप पुराना भी उसी तरह से चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेक्टिफायर किस मॉडल का दिया हुआ है, ये BS6 टाटा सिग्ना BS6 का ये रेक्टिफायर प्लेट है। ये रेक्टिफायर प्लेट को कैसे चेक किया जाता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं बल्ब सीरीज के माध्यम से ये रेक्टिफायर को चेक करूंगा कि ये रेक्टिफायर प्लेट बल्ब सीरीज के माध्यम से कैसे चेक होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं ये हमारा, ये देख सकते हैं ये हमारा रेड वायर है, पॉजिटिव वायर है, और ये जो वायर है हमारा एक नेगेटिव वायर है जिसे मैंने बल्ब से सीरीज बना के यहाँ पर रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बल्ब है और ये सीरीज है। जैसे ही मैंने पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव बल्ब सीरीज से, ये बल्ब बिलिंग करेगा। तो मैं बल्ब के माध्यम से आपको बताऊंगा कि रेक्टिफायर कैसे चेक किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये हमारा पॉजिटिव वायर है और ये हमारा नेगेटिव वायर है जो बल्ब के सीरीज से बना हुआ है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये रेक्टिफायर में एक जो नीचे का प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे लिखा रहता है नेगेटिव इन। यहाँ पे आप देखिएगा गौर से, यहाँ पे जूम करके, मैं कैमरे को जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, मतलब नेगेटिव, और ये जो हमारा प्लेट है, ये ऊपर का जो प्लेट है ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है। ये नेगेटिव प्लेट है नीचे का और ऊपर का पॉजिटिव प्लेट है। तो इसे कैसे चेक करते हैं आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये हमारा रेक्टिफायर प्लेट, इसे बोलते हैं लोग रेक्टिफायर प्लेट, लेकिन अक्सर में ये रेक्टिफायर प्लेट जो ये प्लेट है ये प्लेट नहीं होता है, ये हमारा रेक्टिफायर होता है जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। जो ये एन लिखा हुआ है ये हमारा नेगेटिव है और ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर में आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा रहता है पॉजिटिव। इस प्लेट को आप खोलिएगा तो यहाँ पे पी लिखा रहेगा, इस रेक्टिफायर में पी लिखा रहेगा, और जो ये है ये हमारा एन लिखा हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव रेक्टिफायर है। तो इसे कैसे चेक करते हैं बल्ब सीरीज के माध्यम से आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानिए ये हमारा पॉजिटिव वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव वायर लगता है तो मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया। तो सबसे पहले हमें ये रेक्टिफायर को चेक करना है ये उड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये हमारा स्टार्टर कॉइल यहाँ पे लगता है, स्टार्टर कॉइल लगा के आप कभी ना चेक करें रेक्टिफायर सही चेक नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्टर कॉइल को आप छुड़ा ले उसके बाद ही रेक्टिफायर चेक करें। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर है, उसके बाद ये हमारा रेक्टिफायर प्लेट का ये रेक्टिफायर कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कोई लाइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है, इसके वजह से बल्ब नहीं जल रहा है और इस पर भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव वायर है। पॉजिटिव वायर से कहीं पे सप्लाई नहीं जाना चाहिए, ओनली पॉजिटिव प्लेट पे। ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, प्लेट में आएगा, बाकी और कहीं नहीं जाएगा और किसी भी फेस पे नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट किसी भी फेस पे नहीं आता है, ये देख सकते हैं आप, कहीं पे भी ये नहीं आएगा, ओनली ये प्लेट पे आएगा और ये नीचे जो प्लेट पे टच है वहाँ पे आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव से चेक हो गया बल्ब सीरीज के माध्यम से। तो ये पॉजिटिव प्लेट हमारा चेक हो गया बल्ब सीरीज के माध्यम से, लाइन पावर कहीं पे नहीं आ रहा है, खाली ओनली प्लेट पे आ रहा है। ये प्लेट पे आएगा ही आएगा, 100% प्लेट पे आएगा, और एक ये नीचे प्लेट पे टच है, ये वाले पे आएगा ओनली पॉजिटिव प्लेट पे। अब उसके बाद ये नेगेटिव वायर को बल्ब सीरीज के माध्यम से ये नेगेटिव को यहाँ लगा देना है और पॉजिटिव से चेक करना है। ये देखिए पॉजिटिव पे आ गया, पॉजिटिव पे आ रहा है, हमारा बल्ब ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हैं आप पॉजिटिव पे आ गया, ये प्लेट में भी आ जाएगा, ये सारे में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव से ऑल ओवर
सभी में आ जाएगा, सभी वायर्स में आ जाएंगे ये, आप जिसमें भी चेक कीजिए आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव से सभी में आ रहा है, तो ये रेक्टिफायर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप रेक्टिफायर प्लेट चेक कर सकते हैं। और ये जो दो सिस्टम है, ये जो दो सिस्टम है, एक तो ये कटआउट में लगता है, एक प्लस, यहाँ से प्लस जाके यहाँ लगता है। तो इसका कनेक्शन ये दिया हुआ है डायोड का, ये इस डायोड वाले कनेक्शन पे दिया हुआ है। एक डायोड यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बाकी और कहीं पे नहीं आएगा। ये कनेक्शन ओनली यहाँ यहाँ और यहाँ, ये कनेक्शन ओनली यहाँ यहाँ और यहाँ पे आएगा, बाकी और कहीं पे नहीं आएगा। तो ये है मेथड बल्ब से चेक करने का रेक्टिफायर। तो ये हमारा रेक्टिफायर प्लेट बिल्कुल सही है, न्यू रेक्टिफायर प्लेट है। तो इस प्रकार से आप रेक्टिफायर प्लेट को चेक कर सकते हैं बल्ब के माध्यम से। ये हमारा बल्ब सीरीज के माध्यम से आप इस रेक्टिफायर को आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये हमने चेक करके आपको बताया कि रेक्टिफायर कैसे चेक करते हैं। BS6 का रेक्टिफायर प्लेट है और इसका पार्ट नंबर भी मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसे मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं।